हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल लाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दिवाली पर आने वाली फिल्मों के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी आपके चहेते चैनल कोमल लाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 7 महीनों तक लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, ट्रेड के लोगों के दिमाग में एंड पब्लिक के दिमाग में, कि सिनेमाज कब खुलेंगे। अब आखिर सिनेमाज खुलने की तारीख आ गई है। आप सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है कि 15 अक्टूबर से सिनेमाज खुलेंगे। तो अब एक और सवाल उठ गया है और वो है 15 अक्टूबर को क्या रिलीज होगी। मगर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि दिवाली पर, इस साल दिवाली पर कौन कौन सी फिल्में सिनेमाघरों में आएगी। अब दिवाली क्यों? क्योंकि दिवाली इज कंसिडर्ड वेरी बाउंटिफुल फॉर द बॉक्स ऑफिस। इस साल यानी पेंडेमिक के बाद कितना बाउंटिफुल होता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन द एक्साइटमेंट अटैच टू अ फेस्टिवल वीजा वी द बॉक्स ऑफिस वो तो रहेगा ही। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने ये ऐलान कर दिया था महीनों पहले कि दिवाली पर हम सूर्यवंशी रिलीज करेंगे, लेकिन तब अंदेशा था कि सिनेमाज अगस्त या लेटेस्ट सितंबर तक खुल जाएंगे। ना अगस्त में खुले ना सितंबर में खुले, और अब जाके 15 अक्टूबर को खुलने वाले हैं, यानी दिवाली से केवल एक महीने पहले। और सूर्यवंशी को ऐसा था, यानी सूर्यवंशी के मेकर्स को, रिलायंस एंटरटेनमेंट, करण जौहर, अक्षय कुमार एंड रोहित शेट्टी, इन चारों को ऐसा लगा था कि अगस्त सितंबर में अगर सिनेमाज खुलेंगे 13 नवंबर दिवाली वाले वीक तक बहुत टाइम है, इसलिए हमें अच्छा टाइम मिल जाएगा ये देखने के लिए, भांपने के लिए कि सिनेमाज में कितने फुटफॉल्स है। और उनको ऐसे लगा था कि फुटफॉल्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन बढ़ेंगे, एंड दिवाली तक अच्छी खासी क्राउड देखने को मिलेगी। लेकिन अब तो 15 अक्टूबर को सिनेमाज खुल रहे हैं, 13 नवंबर को दिवाली का फ्राइडे है, तो डेफिनेटली डर लगता है। और इसलिए रिलायंस एंटरटेनमेंट ने यह ऐलान कर दिया कि हम सूर्यवंशी दिवाली पर नहीं रिलीज करेंगे। ये तो पुरानी न्यूज है। तो फिर सवाल उठता है, अगर सूर्यवंशी दिवाली पर नहीं आई तो क्या दिवाली फीकी रहेगी, सूखी रहेगी, दिवाली पर कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी? ऐसा नहीं है, निराश मत होइए। सूर्यवंशी जितनी बड़ी फिल्म नहीं है, लेकिन कई फिल्में हैं जो दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं सिनेमा घर तक आने की। सबसे पहली है जी स्टूडियोज की सूरज पे मंगल भारी। दिस वन स्टार्स दिलजीत दोसांझ, मनोज वाजपेयी एंड फातिमा सना शेख। ये दिवाली की तैयारियां कर रही है आप तक पहुंचने के लिए। फिर इंदु की जवानी और ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज, इन दो फिल्मों में से एक जरूर आएगी। इंदु की जवानी आप जानते हैं, उसमें है कियारा अडवाणी एंड आदित्य सीन, एंड ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज ये संजय लीला भंसाली की प्रोडक्शन वेंचर है, जिसमें है न्यू हीरो अनमोल ढिलन, यानी प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया एंड एक्ट्रेस पूनम ढिलन का बेटा है। सो अनमोल ढिलन के साथ है जटालेका मल्होत्रा, जोआ मोरानी एंड निकी वालिया। तो ये यंगस्टर्स की फिल्म है। इंदु की जवानी या ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज, इन दोनों में से एक फिल्म आ सकती है। एक और फिल्म की तैयारी हो रही है, ऐसे अंदर की खबर है। वो कौन सी फिल्म है? वो है यशराज फिल्म्स की बंटी और बबली का सीक्वल। जी हाँ, बंटी और बबली 2 स्टारिंग सिद्धांत चतुर्वेदी विद अ न्यू हीरोइन। एंड फिकर नॉट, इन फिल्मों के अलावा, यानी इन हिंदी फिल्मों के अलावा, रीजनल फिल्मों की भी बड़ी भारी तैयारियां हो रही है फॉर कमिंग ऑन दिवाली। मराठी फिल्मों की तैयारियां हो रही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन फिल्मों की तैयारी हो रही है, पंजाबी फिल्मों की तैयारी हो रही है, बंगाली फिल्मों की तैयारी हो रही है। और आप तो जानते हैं, क्योंकि हिंदी फिल्मों की शॉर्टेज है, अभी तो ये रीजनल फिल्में अलग अलग प्रांतों में रिलीज होगी। ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन उस प्रांत में होगा जहां की वो भाषा है, लेकिन बाकी जगह पर भी ये रीजनल फिल्में लगेगी विद इंग्लिश सबटाइटल्स ऑफकोर्स। अब ये सब फिल्में दिवाली पर तभी आ सकती है जबकि सिनेमाज में लोगों की क्राउड्स देखने को मिलेगी। यानी अगर 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक लोग काफी भारी संख्या में आने लगे तो ये फिल्में आएगी। अगर लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिली, फॉर ऑब्वियस रीजंस, स्पेंडिंग पावर कम है, लोगों को अभी भी कोरोना वायरस का डर है, इसलिए शायद ना आए, तो ये सब कारणों से ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक सिनेमा घर तक कितनी बड़ी तादाद में आती है। अगर अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं तो फिर ये सारी फिल्में रिलीज होंगी, और नहीं तो एनीथिंग कैन चेंज।
और ये तो सिनेमाज की बात हुई, आप तो जानते हैं लक्ष्मी बॉम्ब डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अनाउंस है ऑन दिवाली, एंड हाल ही में एमेजॉन प्राइम वीडियो ने छलांग का भी अनाउंसमेंट किया है जो भी दिवाली पर ही रिलीज होगी, यानी 3 या 4 फिल्में सिनेमाघरों में एंड 2 फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। बट एक बात तय है, सूर्यवंशी कितनी भी भीड़ आ जाए दिवाली पर, वो फिल्म दिवाली पर सिनेमाघरों में नहीं आएगी। तो फिर सूर्यवंशी कब रिलीज होगी, उसके लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। खैर सबसे पहले तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर आपको हमारा ये वीडियो जहां पर हमने आने वाले दिवाली पर कौन सी फिल्में रिलीज होगी वो बताया है, कैसा लगा? और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। एंड यस, 15th अक्टूबर इज राउंड द कॉर्नर, यानी हैप्पी डेज आर हियर अगेन, क्योंकि सिनेमास 15th अक्टूबर से खुलने वाले हैं। टाटा।